आई हैड टू ट्रेवल ऑल ओवर दी ग्लोब अराउंड वन फिफ्टी टाइम फॉर बिजनेस डेढ़ सौ बारह से ज़्यादा मैं पूरी दुनिया घूम चुका ट्रैवल किया ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड ऑल्सो रिटर्न फोर बुक्स विथ फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड पेजेस ईच ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिश बाई टाटा एम सी ग्रॉ हिल एंड देन ट्रांसलेटेड इन टू चाइनीज फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और इसी दौरान जब मैं घूम रहा फिर रहा था तो उस वक्त मैंने चार बुक भी लिखा पाँच सौ सात सौ पेज की आई टी के ऊपर जिसको इन्होंने ये बोली जिसको ये लोग ने पब्लिश करे और ये बुक चाइनीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुई और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिक रही है ये बुक आई लर्न आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वैन आई वॉज रनिंग दिस लार्ज कंपनी बोले कि जब मैं ये बड़ी बड़ी कंपनी चला रहा था ट्वेंटी थ्री साल के लिए चला रहा था तो मैंने तीन चीज़ सीखा पहली चीज़ तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सीखा कोई भी कंपनी को चलाने के लिए वो क्या पहली चीज़ इम्पॉटेंस ऑफ टीम वर्क टीम वर्क होना चाहिए आज के ज़माने में बिना टीम वर्क के कोई भी चीज होना पॉसिबल नहीं है तुम अकेले नहीं कर सकते हो तुम ये तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा अकेले रह के मेरे अंदर ईगो है तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते तुमको एक टीम चाहिए जो तुम्हारे साथ काम करेगी और तुम्हारे गोल को अचीव करेगी दूसरी चीज़ ये कि जो तुम्हारा जो भी स्टाफ है कंपनी में ऑफकोर्स जो भी हमारे स्टाफ होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं वो तुमको एक एग्ज़ाम्पल की तरह देखना चाहिए यानी तुम अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ठीक है जो तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सको लोग तुम्हारी तरह बनना चाहे ऐसा थर्ड वॉज डेट यू नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर कलीग्स एज फ्रेंड और कंपनी के नीचे जो दूसरी पोस्ट होती है मतलब अपने से छोटी पोस्ट अपन जो भी पोस्ट है वो पोस्ट के नीचे जो भी लोग हैं उन लोगों को एज़ अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करो ठीक है नौकर की तरह नहीं In my career I made a few mistake but learned a lot about motivation being a good listener target setting and the art of delegation which forms such an important part of today's management like, मैंने अपने करियर में बहुत सारी मिस्टेक किया और मैंने अपने करियर में बहुत सारी छोटी-मोटी मिस्टेक किया लेकिन मैं बहुत कुछ सीखा motivation सीखा मैं एक अच्छा लिसनर बनना यानी दूसरों की बातें ज्यादा सुनना टारगेट कैसे सेट करना है आर्ट कैसे बनाना है ये सारी चीज बहुत काम आती है आज के कोई भी मैनेजमेंट के लिए आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दिस सॉफ्टवेयर कंपनीज़ फॉर सो मैनी ईयर्स आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव लेकिन मैंने कंपनी में इतना ज़्यादा साल जो काम किया तो फाइनली मैंने ये सोचा कि अब मुझे अपने फ़र्स्ट लव की तरफ फिर से जाना पड़ेगा फिर से जाता हूँ और वो फर्स्ट लव उनका क्या है टू रीड एंड राइट जो कि बचपन में उन्होंने बोले थे ना लिटरेचर पोएम की तरफ उनका प्यार था तो इसलिए क्या हुए देर फॉर आई गेव अप टू ऑफर ऑफ अराउंड थ्री करोड़ रुपीज़ पर एन एम टू बिकम अ राइटर दिस इज हाउ माई सेकंड इनिंग एट द करियर एज अ राइटर इन मराठी बिगिन बोले और इसलिए मैंने क्या किया अपने फर्स्ट लव की तरफ जाने के लिए अपने फर्स्ट लव को पाने के लिए दो दो बड़े बड़े ऑफर रिजेक्ट कर दिया जो कि तीन करोड़ रुपए के थे उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ राइटर बनने के लिए ये थी मेरी लाइफ की सेकंड इनिंग यानी यू टर्न अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरा करियर चेंज हो चुका है अब मेरा करियर में आ चुका है सेकंड पड़ाव आफ्टर दिस आई हैव रिटर्न अबाउट थर्टी फोर बुक्स इन मराठी फिर उसके बाद मैंने थर्टी फोर बुक मराठी लैंग्वेज में लिखा मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर विथ टेन ऑफ थाउजेंड ऑफ कॉपीज सोल्ड एज उसमें से बहुत सारी बुक ऐसी थी जो बहुत ही अच्छे से सेल हुई दस दस हज़ार टेन टन थाउजेंड कॉपीज़ वो बुक की बिकी हाउ एवर इट इज़ नॉट द सेल और द मनी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी एज मच एज द फैक्ट दैट दिस बुक हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइफ ऑफ थाउजेंड ऑफ रीडर बोले कि ये बुक बिक बिकने से ऑफकोर्स पैसा तो मिलता है लेकिन वो पैसा मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो बुक को बेचने से जो पैसा मिलता है वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि वो बुक में जो मैं मैसेज पहुंचाया हूँ वो रीडर तक पहुंच रहा है और रीडर लोग को काम आ रहा है पढ़ने वाले लोग उससे पढ़ने वाले लोगों को वो चीज़ काम आ रही है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर रीडिंग माई ऑटो बायोग्राफी मुसाफिर एंड अ बुक ऑन साइकोलॉजी मन्नत हंड्रेड हैव डिप्रेशन एंड मोर देन अ डोजन हैव गिवन अप थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑल फ्रेश उनकी एक बुक थी ऑटो बायोग्राफी इसी तरह जैसा अभी अपने बारे में बता रहे हैं वैसे एक और उनकी बुक है मुसाफिर नाम की वो पढ़ के और उनकी साइकोलॉजी बुक साइकोलॉजी पर उन्होंने एक बुक बनाया मन्नत नाम की वो बुक पढ़ के ऐसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल सौ सौ लोग ऐसे थे जो डिप्रेशन से बाहर निकल गए और लोग ने सोचे थे हम लोग सुसाइड कर लेंगे वो वो प्लान वो ने कैंसिल कर दिए और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं उनकी ये दो बुक पढ़कर देयर आर हंड्रेड हू टेल मी डेट दे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन साइंस की माया नगर की मायागर बहुत सारे लोगों ने उनको ऐसा बोले कि रिलेटिविटी रिलेटिविटी और बिग बैंग थियोरी अभी उनको समझ में आई उनकी कौन सी बुक पढ़ के साइंस पे उन्होंने जो बुक लिखे कि मायागर नाम की ए बुक रूम ऑन मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एटलीस्ट ट्वेंटी सक्सेसफुल एंट्रप्रेन्योर यहाँ तक उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर भी एक बुक लिखे है बुक का नाम क्या है बॉर्ड रूम बोलते हैं वो बुक पढ़ के कम से कम बीस लोग तो सक्सेसफुल आंट्रप्रेन्योर बन चुके हैं यानी जो लोग खुद का बिजनेस चलाते हैं बिजनेस ठीक है बिजनेस मैन लोग आंट्रप्र्यूर बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में देन देर आर हंड्रेड हु टेल मी डेट दे नाउ कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स टाइम और एन डी टी वी प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माई बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स अर्थात बोले ऐसे और फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स टाइम जो न्यूज़पेपर है और एन चैनल का जो प्रॉफिट वाला जो न्यूज़पेपर और चैनल है वो चीज़ अभी लोग को अच्छे से समझ में आ रही है राइटर अर्जुत गोड़ बोले कि कौन सी बुक पढ़ के अर्थात यानी उन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे भी बुक लिखे हैं ठीक है ऊपर एक साइंस आ चुका है यहाँ पे मैनेजमेंट आ चुका है यहाँ पे अभी इकोनॉमिक्स भी हो चुका है और कौन कौन सी चीज़ पे उन्होंने लिखे है मैथ्स पे गन गणित नाम की बुक बनाए हैं उन्होंने इंडियन म्यूज़िक पे नाड़वेद इंग्लिश लिटरेचर में जपुरजा यहाँ तक पेंटिंग में भी कैनवास नाम की बुक बनाए वेस्टर्न फ़िल्म्स के ऊपर लाइम लाइम लाइट बुक लिखे है वेस्टर्न म्यूज़िक पर भी सिम्फोनी इतने सारे तो इतने सारे फील्ड में राइटर ने क्या करे है बुक लिखे है सिर्फ एक फ़ील्ड में नहीं सोचो इतनी सारी फ़ील्ड्स में और बुक सच एस जीनियस सीरीज रत्का का और विटामिन और अनर्था ये सारी बुक उन्होंने लिखे है इट इज़ दिस रिएक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ़ रीडर्स एंड द फीलिंग्स डेट आई एम टचिंग द हार्ट ऑफ थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स ऑफ माई रीडर्स डैट कीप्स मी गोइंग बोले ये जो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ राइटिंग और बुक्स को लेकर जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरे बुक पढ़ने वाले हैं वो लोग जो अपना रिएक्शन देते हैं मेरी बुक्स पढ़ के वो क्या होती है मुझे अपने लाइफ में इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पुश कर रही है बोले कि जो मैं जो लिख रहा हूँ मैं वो कम लाखों लोग तो नहीं कम से कम हज़ार लोग के दिल को टच हो रही है वही मेरे लिए काफ़ी है और ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रही है ठीक है और फिर फाइनली लास्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं वाई आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी मैं तुम लोग को अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ राइटर अपने को बोल रहे हैं कि मैं अपनी स्टोरी तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ अपनी लाइफ की तो वैन आई लुक बैक देर आर अ नंबर ऑफ लेसन एंड वैल्यूज डेट आई चेरिश एंड कीप लर्निंग अबाउट इवन टूडे क्योंकि वह बोल रहे हैं कि अभी मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका हूँ तो मैं भी पीछे पलट कर देखता हूँ तो ऐसा लगता तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स है और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ है जो उसकी तारीफ़ या उसको चैरिश करता हूँ उसकी सराहना करता हूँ और वो चीज़ मैं आज भी सीखता रहूँगा कौन कौन सी चीज़ ऐसी मतलब ऐसी मतलब वो सारी चीज़ें जब राइटर सक्सेसफुल नहीं थे तो भी काम आ रही थी अब सक्सेसफुल हो चुके हैं तो भी वो चीज़ उनको करनी पड़ेगी ठीक है कौन कौन सी वो चीज़ है वो आगे बताए है सम ऑफ दिस आर थर्ड्स फॉर नॉलेज क्यूरियोसिटी ह्यूमिलिटी थर्ड्स फॉर नॉलेज ऑफ कोर्स अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुमको मिल रही है लेते रहो क्यूरॉसिटी रहो हमेशा क्यूरियस रहो उत्सुक रहो कोई भी चीज़ को पाने के लिए कोई भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमेशा बैठे मत रहो भोंदू बन के ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल नेचर के रहो ह्यूमैनिटी इंसानियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए रैशनलिटी यानी सही क्या है गलत क्या है समझदार इंसान होने चाहिए समानता में विश्वास करते होना करते होना चाहिए टीम वर्क तुम्हारे अंदर होना चाहिए एक्सेलेंस को पाने का रास्ता और ठस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए ठीक है ये चीज़ तुम लोग को क्या है हमेशा ज़िंदगी में करनी चाहिए अगर तुम कर तो तुम लोग को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता तो यहाँ पे खत्म हो जाती है अच्युत गोरबोरे की ऑटोबायोग्राफी ठीक है तो एकदम इजी था सबसे इजी चैप्टर तुम लोग का यही है तो सबसे इजी चैप्टर है तुम लोग का ये तुम लोग ऐसा समझो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है ऐसा सोच के तुम लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तो एकदम इजी लगेगा कुछ भी टेक्निकल नहीं है कुछ भी हार्ड नहीं है इतना इजी है बस राइटर ने अपने लाइफ के बारे में बताया है कि वो सक्सेसफुल हुए तो कैसे हुए उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में फेस करे और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना ज़्यादा तुम लोग ये सोचो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने सीखे तो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए इतनी सारी बुक लिख रहे हैं वर्ल्ड वाइड में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट साइन करे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे अगर उनको अगर उनको इंग्लिश नहीं आती अगर वो यही सोच के बैठे रहते कि मैं तो मराठी मीडियम का हूँ मैं तो संस्कृत मीडियम का हूँ तो कभी कुछ नहीं हो पाता है ना तो इसलिए प्लीज़ तुम लोग भी क्या करो अभी से सीख ले लो सबसे बेस्ट लेसन है तुम लोग का सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर है सीख लो और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो ठीक है ये चैप्टर तुम लोग को यही सीख देता है कि अपने लाइफ में बड़ा एम रखो बड़े गोल्स रखो और उसको पाने के लिए तुम लोग को जो भी चीज़ में जो भी चीज़ और उसको पाने के लिए तुम लोग को जितना भी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाना होगा तुम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी एक बार तुम लोग वो चीज़ में इम्प्रूव हो जाओगे तो तुम लोग को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा अपन यही करते हैं कोई चीज़ को अपन ठान तो लेते ये करेंगे लेकिन एक दो दिन बात करने के बाद छोड़ देते हैं तो राइटर देखो नौ महीने नौ महीने लगे उनको इंग्लिश सीखने में और बाकी के फिर थर्टी टू उनकी लाइफ बन गई तो तुम लोग भी प्लीज़ अपनी इंग्लिश को सुधार लो सबसे पहले स्टेप तो, तो तुम लोग यही करो फिर ट्वेल्थ में तुम लोग एकदम अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो और उसके बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और फिर अपने बड़े बड़े एम्स रखो ठीक है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स अपने सारे रिलेटिव को प्राउड फील कराओ और फिर गरीब लोग की ह्यूमैनिटी लोगों की मदद करो जो तुम्हारे आसपास पास पुअर लोग हैं ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है आई होप तुम लोग को अब सब कुछ समझ गया होगा एकदम ईजी है कुछ हार्ड टफ तो था नहीं इसकी हमने समरी कर चुके हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है आइस ब्रेकर ब्रेन के सारे क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर दिए है और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर सेक्शन भी हो जाता है कम्प्लीट और इसके बाद कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो ठीक है तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय